अनुभव है उसपे जैसे क्या खराब हो, ठीक है, ये कॉमन सिस्टम सिस्टम है जो कि नॉर्मल फ्लू में भी हो जाती है, ठीक है। और साइनस सिस्टम इसके ये जो सबसे लास्ट में आ रहा है आता है कफ। कफ एक ऐसा सिस्टम है जो परसिस्ट करे फॉर द 14 डेज, 14 दिन तक आपका कफ हो रही है क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर लिया और कफ स्टार्ट हो गया और लुमिनिया में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड भी सर ने आपको बताया, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब आपके अंदर एक जर्स फैक्टर हुआ और उसने आपके अंदर टाइम कॉन्स्टेंट किया और उसने अपने आप को डबल करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड। और उसके बाद वो अपने सिम्टम्स उसका आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे बुखार भी हो गया, जितनी खांसी हो रही है मुझे लगा से काम किया, ठीक है। एनिमल इसके सोर्स कुछ दिनों पहले तक जब हमने अपने हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस जब की है सबने, तो उसमें देखा क्या कि सब जब हमने वहाँ से डिस्क्रिप्शन की तो पता चला कि डॉग्स या एनिमल्स की ये ऐसा चीज इसकी कोई रहता है। तो अभी कल जो मैंने रिसर्च पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली कल एक डॉग के अंदर एक कन्फर्म केस आया कि वो एक पालतू कुत्ता था, उसमें इसका कोरोना वायरस का कन्फर्म केस हुआ। तो अनप्रोटेक्टेड उनको टच करना, आपके जो पालतू रखे हुए आपने घर में उनको भी उनसे भी थोड़ा सा अवॉइड करें। खाने में खाने की जहाँ तक बात है तो अगर मीट कंजप्शन कर रहे हैं मीट को प्रॉपर कुक किया हुआ हो, ये नहीं कि कोरोना वायरस के ऊपर से उससे और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं जो अनकुक मीट होता है आपका प्रॉपरली तरीके से कुक नहीं हो पाता उससे कोरोना वायरस से क्या हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें आ रही है ट्रांसमिशन में, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी खांसने या छींकने से, क्योंकि एयर बॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसके लिए होता है कि किसी ने अगर छींका या खांसा तो वो जो हवा है उसके छींक के जो ड्रॉप्स होते हैं या खांसी का कोई ड्रॉप हवा में गया साथ में बंदा तो उससे इन्फेक्ट हो सकता है, ये इसकी ट्रांसमिशन है, ठीक है। इसके बाद एरोसोल ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया कि खांसने और छींकने से हो रहा है, ये आप सर स्लाइड नंबर 15 से रिमूव करें। क्योंकि इसमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करते हैं कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड रनिंग वाटर व्हेन हैंड्स आर विजिबली डर्टी। If your hands are not visible, you should frequently clean them by using alcohol-based hand rub or soap and water. To protect yourself and others from the disease, wash your hands after cooking or sneezing, when preparing for the sick, during, after you have prepared food, जब आपने खाना बनाया उससे पहले आप अपने खाने के बाद हाथ धोएं, ठीक है? Before eating, after toilet use, when hands are visibly dirty after handling animals or animal waste. घर में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने घर में पालतू बिल्लियां डॉग आपके जिसमें तोते और काफी सारे आपके पेट्स भी होते हैं, तो ऐसा होता है कि आप जब उन्हें हाथ से कभी कभी हम ऐसा फील नहीं करते कि हम यहाँ तोते को उठाया हाथ में उसके बाद खाना भी खाना स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे कई दफा ऐसे होता काफी नहीं करते। तो अभी ये चीज जब पाई गई है तो आपने इससे बचने के लिए आपको ये करना है कि आपने प्रॉपर तरीके से हाथ धोगे। सबसे अच्छी प्रिवेंशन देखिए इस्लाम के अकॉर्डिंगली कितना, आप अगर नमाज पढ़ते हैं आप वजू करते हैं सबसे अच्छी प्रिवेंशन तो आप नमाज से होती है, दिन में 5 दफा हाथ धो रहे हैं पांव धो रहे हैं मतलब तो आप एक तरीके से पूरा गुस्ल ही लेते हैं, तो ये एक अच्छी प्रिवेंशन इस्लाम के उससे आ रही है पहले से ही होती है। कवर माउथ एंड नोज फिक्स्ड एल्बो और टिश्यू सर ने भी आपको बताया कि आप वाइपिंग कर लें, ये एक अच्छा आपको तरीका मिल जाएगा कि आप किसी के और को इन्फेक्शन ना दें, ठीक है। उसके अलावा डिस्कार्ड टिश्यू इमीडिएटली इनटू अ क्लोज बिन एंड क्लीन योर हैंड विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। आप देखो कि हैंड सैनिटाइजर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, आप हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं या मेडिकेटेड टिश्यू आते हैं आप वो ले सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने हाथ क्लीन कर लें, ठीक है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, आप एक गैप तो आप कम से कम 1 मीटर का उससे डिस्टेंस रखें, पर्टिकुलरली दोस्त जो आप काफी स्पेसिफिक है।
अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ। ये कहने का मकसद ये होता है क्योंकि आप दिन के सुबह दिन का आवाज करते हैं, आप आते हैं किसी से दोस्त से हैंडशेक करते हैं, गैर वालों से हैंडशेक करते हैं, क्या हैंडशेक करते जा रहे हैं, डोंट नो कि किसका हाथ कौन इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसी को आप अपनी आँख पे लगा लेंगे, उसी को आप अपने नाक पे लगा लेंगे या मुँह पे कुछ चीज़ ऐसे खा लेंगे मेरे हैंड से, तो वो आपको जानते कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है सर, if you have met mild respiratory symptoms and no travel history to all within China, carefully practice basic respiratory and hand hygiene and stay warm until you are recovered, if possible. Again, मैं करेगा उसे देखिए क्या। As a general precaution, practice general hygiene measures when visiting the live animal markets, wet markets or animal protection markets. वही बात मैं दोबारा बताई गई है इसमें। ये WHO guidelines है, इसको बार बार बताता है, इसका मकसद क्या होता है कि आप वो सेंसिटाइज हो रहे हैं, आपको वो अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इन इन चीज़ों से आपने बच जाए, ठीक है। प्रैक्टिस फूड से यूज डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड्स एंड नाइफ्स फॉर रॉ मीट एंड कुक फूड, ठीक है, अलग अलग चीज़ें से बाहर ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज़ से गोश्त काट रहे हैं, उसी से आप सब्जी काट रहे, तो उन्होंने बताया कि आप सेफ्टी प्रैक्टिस करें, कोई भी अलग कर, ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिटवीन हैंडलिंग रॉ एंड कुक फूड, एक जगह आपने खाना पका पकाया, खाना बना के रखा हुआ है और एक जगह आप गोश्त अभी धो रहे हैं एक और उससे फिर आके आपने उस पके पकाए खाने में हाथ डालता है, उससे बेसिकली मुझे पता क्या कि आप इस चीज़ से बचे, ठीक है। दैट इज फूड सेफ्टी और दिस सिक एनिमल्स एंड एनिमल्स दैट हैव डाइड ऑफ डिजीज शुड नॉट बी ईटन। यू नेवर नो कि आपको कब कहां कैसा गोश्त मिल रहा है, तो बेहतर है कि कुछ एरिया को तो बल्कि ये प्रैक्टिस चल रही है गोश्त खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने यही इसी चीज़ पे जोर दिया कि आप अच्छा और साफ सुथरा गोश्त का इस्तेमाल करें, ठीक है। अवॉइड कंजम्पशन ऑफ रॉ और अंडरकुक्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के अंदर शॉपिंग इन वेट मार्केट्स इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया के, हम उधर आपने देखा होगा कि जैसे कि वुहान से डिजीज जो है, चाइना वुहान से इसने ट्रैवल किया और नंबर वन ग्लोबल एक डिजीज के तौर पर ये इन्वॉल्व हो चुकी है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि साउथ ईस्ट एशिया या चाइना में अगर आप हैं तो वेट मार्केट जो आपने ये वेटरनरी बोल रही